सो गाइस एक्सट्रीम रूल्स का पेपर व्यू तो खत्म हो चुका है, बट अब बारी है उसके बाद होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की, जहां पर हमें WWE चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलने वाला है, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूं कि रोमन रेंस का कौन सा बड़ा मैच ऑफिशियल हो चुका है मंडे नाइट रॉ के लिए। सो इस वीक के रॉ के लिए जो सबसे पहली चीज WWE ने कंफर्म कर दी है, जो कि हमें शो को स्टार्ट करते हुए दिखने वाला है, वो है WWE चैंपियनशिप का मैच बिगी वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच। जैसा कि एक्सट्रीम रूल्स के बैकस्टेज में ही सबसे पहले बॉबी लेस्ली ने चैलेंज किया बिगी को और कहा कि तुम मुझे वन ऑन वन मैच में फेस करो ना, वहां पर ज़ेवियर रोड्स रहेगा ना ही कोफी किंगस्टन। और उसके बाद हमें बिगी बॉबी लेस्ली के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए दिखते हैं और WWE ने ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दी है कि इस वीक की रॉ की शुरुआत हमें यही मैच करते हुए दिखने वाली है। बट बात की जाए यहाँ पर जीत किसकी हो सकती है एंड एक कौन सा बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिल सकता है, तो गाइस चांसेस इसके अच्छे खासे है। बिगी अभी अपनी WWE चैंपियनशिप नहीं हारने वाले एंड वो बॉबी लेस्ली को हराकर रिटेन कर लेंगे अपनी टाइटल। बट हो सकता है कि बॉबी लेस्ली यहाँ पर क्लियरली नहीं हारे एंड यहाँ पर हमें किसी के इंटरफेरेंस देखने को मिले और वो नाम और कोई नहीं बल्कि गोल्डबर्ग हो। अब जैसा कि आप सब जानते हैं बॉबी लेस्ली वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच हमें WWE चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला था समर स्लैम में, जहाँ पर गोल्डबर्ग इंजर्ड हो गए थे जिसकी वजह से वो मैच में कम्पीट नहीं कर पाए थे। और मैच के बाद बॉबी लेस्ली ने तो गोल्डबर्ग पर अटैक किया ही किया, साथ ही साथ जब उनके सन बचाने आए देन उन्होंने उन पर भी अटैक कर दिया। और गोल्डबर्ग ने ये बात बोली है कि इस बार वो WWE चैंपियनशिप के लिए नहीं आने वाले बल्कि आने वाले बॉबी लेस्ली के सोल के लिए। यानी कि हो सकता है कि इस मैच में हमें बॉबी लेस्ली को हरवाते हुए दिखे गोल्डबर्ग, या फिर जब बॉबी लेस्ली हार जाए देन उसके बाद हमें गोल्डबर्ग का रिटर्न देखने को मिले एंड वो आकर अटैक करे बॉबी लेस्ली पर। एंड फाइनली हमें क्राउन जूल के पेपर व्यू के लिए बुक होते हुए दिख जाए गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लेस्ली का एक सिंगल्स मैच। अब WWE इस मैच में बिगी को भी ऐड कर चैंपियनशिप ऑन द लाइन रख सकती है, जिससे बिगी को भी एक अच्छा खासा मैच मिल जाएगा क्राउन जूल में और ये चैंपियनशिप मैच भी बन जाएगा। लेकिन हाँ, गोल्डबर्ग और बॉबी लेस्ली जरूर से आमने सामने आने वाले हैं। इसके अलावा एक और चैंपियनशिप मैच के बारे में बात की जाए, जो कि आप सबको इस वीक के रॉ में देखने को मिल सकता है, वो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच। जैसा कि एक्सट्रीम रूल्स के पेपर व्यू में डैमियन प्रिस्ट ने जेफ हार्डी एंड सेमस को हराकर रिटेन कर ली थी अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, बट सेमस का हमें एक्सट्रीम रूल्स के बाद एक इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर वो ये कहते हैं कि वो एक और अपॉर्चुनिटी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि पॉसिबली अभी भी सेमस एंड डैमियन प्रिस्ट की फ्यूड एंड नहीं हुई है और चांसेस काफी कम ही लग रहे हैं। अगेन WWE इनका मैच किसी पेपर व्यू में करवाएगी, इसलिए हो सकता है कि इस बार जब इनका मैच देखने को मिले यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए देन वो हो मंडे नाइट रॉ में, तो क्या पता वो इस वीक का मंडे नाइट रॉ ही हो। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लोट फ्लेयर के बारे में। अब जैसा कि लिली के सहारे शार्लोट फ्लेयर ने एलेक्सा ब्लिस को डिस्ट्रैक्ट कर पिन कर दिया और मैच के बाद शार्लोट फ्लेयर ने लिली को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और देख कर लग रहा है शायद से एलेक्सा ब्लिस का ये डार्क कैरेक्टर एंड हो सकता है। उसके बाद ओरिजिनल एलेक्सा ब्लिस चैलेंज करेगी शार्लोट फ्लेयर को। अब इनका मैच क्राउन जूल में हो इसके चांसेस थोड़े कम ही है, बट हाँ इनकी फ्यूड हमें कंटिन्यू रहते हुए दिखने वाली है। इसलिए लेट्स से कि आखिरकार इस वीक के रॉ में एलेक्सा ब्लिस शार्लोट फ्लेयर से अपनी डॉल लिली का किस तरह से बदला लेती है। एंड बात कर ली जाए हमारे रॉ टैग टीम चैंपियंस रैंडी ऑर्टन एंड मैट रिडल के बारे में। अब इस टीम से सभी का फोकस हट चुका है क्योंकि सभी इन्हें टैग टीम चैंपियंस बनते हुए देखना चाहते थे और अब उनके लिए कोई ज्यादा बड़ा अपोनेंट भी नहीं दिख रहा है। एज स्टाइल्स एंड ओमोस को तो उन्होंने फेस कर ही लिया, बट हाँ हम सब देख रहे हैं अभी रॉ में कई सारे रैंडम टैग टीम बन रही है, जैसे कि मंसूर एंड मुस्तफा अली की, एंजल गार्जा एंड हम्बर्टो कैरिलो की। तो क्या पता इनमें से कोई एक टैग टीम आकर हमें रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखे रैंडी ऑर्टन एंड मैट रिडल को। सो गाइस यही कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें देखने को मिल सकती इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। अब बात कर ली जाए आखिरकार रोमन रेंस का कौन सा बड़ा मैच एडवर्टाइज किया जा रहा है मंडे नाइट रॉ के लिए। देन गाइस जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में हमें रोमन रेंस देखने को मिले थे, जहां पर उन्होंने सिक्स मैन टैग टीम मैच लड़ा था उसोस के साथ मिलकर न्यू डे के अगेंस्ट। उसके बाद उन्होंने मेन इवेंट में एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी लड़ा बॉबी लेस्ली एंड बिगी के अगेंस्ट। लेकिन नेक्स्ट वीक का जो रॉ होने वाला यानी कि 4th अक्टूबर का रॉ, उसके लिए वहां की एरिना एक सिक्स मैन टैग टीम मैच एडवर्टाइज करी है, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जहां पर एक टीम में रहने वाले ड्रू मैकएंटायर, रैंडी ऑर्टन एंड मैट रिडल और उनके अगेंस्ट रहने वाले द ब्लडलाइन यानी कि रोमन रेंस एंड द उसोस। अब रोमन रेंस लास्ट वीक के रॉ में भी आए और नेक्स्ट वीक के रॉ में भी आने वाले, तो क्या WWE उन्हें इस वीक के रॉ में भी लाएगी? इसकी पॉसिबिलिटी जरूर से है। लेकिन WWE ने इस वीक के रॉ से रिलेटेड रोमन रेंस के लिए कुछ भी अनाउंस नहीं किया, इसलिए आप सब ये मानकर चलो कि रोमन रेंस आप सबको इस वीक के रॉ में नहीं बल्कि नेक्स्ट वीक के रॉ में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है, जब ये कमाल का सिक्स मैन टैग टीम मैच हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक के रॉ में, देन वहां पर ड्रू मैकएंटायर की टीम की जीत होगी या फिर जीत होगी रोमन रेंस की टीम की। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।